तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस अवसर पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का 64 सदस्यीय बाल दल यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में योग करेगा। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिया और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्यपाल ने सभी बच्चों को राजभवन घूमने का आमंत्रण भी दिया। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन में पेड़ पौधे ज्यादा है जिससे यहाँ प्रदूषण कम है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पूरे भारत में एकमात्र विद्यालय है जिसके बच्चों को न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला है। किस मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसी मौके पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 64 बच्चों का एक दल यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क जाएगा, वहां पर योग करेगा। इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को राजभवन भी आना चाहिए। तो हमारे संवाददाता अविनाश मिश्र ने इसका जायजा लिया। न्यूयॉर्क अमेरिका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2018 को राजधानी लखनऊ के CMS के बच्चे जाएंगे। उनको गौरव मिला है कि पूरे देश में राजधानी CMS के बच्चे जा रहे हैं। हमारे साथ हैं CMS के संस्थापक जगदीश गांधी जी। गांधी जी, आपके बच्चे जा रहे हैं इस मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, क्या कहेंगे? देखिए, 64 बच्चे जा रहे हैं और पिछले वर्ष भी बच्चे गए थे और 2015 में भी गए थे, तो 3 वर्षों से भारत का प्रतिनिधित्व हमारे बच्चे कर रहे हैं। और योग एक ऐसी चीज़ है, आज मेरी 83 साल की उम्र है, मेरी वाइफ की उम्र 85 साल है और आज हम 16 से 18 घंटे काम कर लेते हैं, तो योग के कारण ही है। हमारे मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक योग के कारण है। हमारे राज्यपाल जी योग के कारण ही आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अर्चना अग्रवाल जो इन बच्चों को लेकर जा रही हैं, योग टीचर हैं। अर्चना जी, बताइए क्या है आपका? बहुत अच्छा मौका मिला है और हमारे बच्चे वहाँ पे ना ही सिर्फ योग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन 4 बच्चों को ये भी मौका मिला है इंडियन मिशन की तरफ से वहाँ पर कि वो स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और इनका डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा। तो इट इज़ अ रियल मैटर, ऑल ओवर द वर्ल्ड टेलीकास्ट होगा और ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बच्चों को ऐसा मौका मिला। अब हम चलते हैं उन बच्चों के पास जिनको ये मौका मिला है। आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं योग दिवस पर, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, बताइए, आप न्यूयॉर्क जा रही हैं योग दिवस, हमारे देश का नाम रोशन होगा, योग दिवस हमारे देश का योग है, क्या कहेंगी? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोग अपना देश का नाम वहाँ पर रोशन करेंगे और अपने देश की सारी संस्कृतियाँ वहाँ दिखाएंगे। योगा हमारे देश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है, इसलिए। तो ये वो बच्चे हैं जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। कैमरामैन मन्ना के साथ अविनाश मिश्र, APN लखनऊ।